दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज और एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं कि टोबैल के बिगू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम यूज़ करने वाले हैं FTX एक्सचेंज को उसकी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू और जानेंगे कि आप किस तरह अपने मोबाइल के थ्रू FTX एक्सचेंज पे उसकी मोबाइल एप्लीकेशन पे इजी तरीके से अपने ट्रेड को इनिशिएट यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर अभी तक आपका अकाउंट FTX एक्सचेंज के ऊपर नहीं है तो आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जहाँ पर आप जा सकते हैं और इस लिंक से अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करके एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर उठा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको FTX का जो मोबाइल ऐप पे वो देखने को मिल जाएगा एप्पल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर दोनों ही तरफ, तो आप जाके उसको डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो। और जब आप FTX के एक्सचेंज पे जाएंगे मोबाइल ऐप में, तो आपको करना होगा लॉगिन, उससे पहले आप रजिस्टर कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू। इसको करने का दोस्तों, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ यहाँ पे मेजर्स लगा सकते हो, जैसे कि मैंने फिंगरप्रिंट सेंसर लगा रखा है, तो इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा FTX का मोबाइल ऐप का पूरा के पूरा फीचर। ऐप तो उसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। सबसे पहले आपको नीचे कुछ बटन्स मिल जाते हैं, जैसे मार्केट, ट्रेड, वॉलेट, यूज़र, ये जितने भी बटन्स हैं इनसे कि आप अपने ट्रेड को इनिशिएट यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपके वॉलेट में कोई फंड है तो आप डायरेक्टली वॉलेट बटन पे जाके चेकआउट उसको यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर दोस्तों बात किया है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कह सकते हैं जो पेयर से वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग, वॉलिटिलिटी ट्रेडिंग। इसके अलावा आपको मिलता है स्पेशल ट्रेडिंग, और यहाँ पर आपको मिलती है फिएट के ऑप्शन में। तो आपको जहाँ पे भी ट्रेड करना है, जिस भी तरीके से करना है, आपको बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो मान लीजिए जैसे मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग में करना है, तो मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद जो भी पेयर्स हैं उनकी लिस्ट मेरे सामने यहाँ पे आ जाती है, और इनमें से मैं जिस भी पेयर में ट्रेड करना चाहता हूँ, जिसका भी मैंने एनालिसिस करा होगा, उसको जाके मैं ट्रेड यहाँ पे कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक सर्च का बटन दिया गया है, अगर आप अपना कोई फेवरेट कॉइन सर्च करना चाहते हो, जैसे मैं XRP करूँ तो मैं डायरेक्टली उस पर जा सकता हूँ और XRP सर्च करके उस कॉइन में डायरेक्टली ट्रेड करना स्टार्ट भी कर सकता हूँ। साइड में आप उसको वॉल्यूम से सिलेक्ट कर सकते हो, 24 आवर्स से, प्राइस से या फिर नेम से, जो भी आप यहाँ पर सर्च करना चाहो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज फिल्टर उसको यहाँ पर कर सकते हो। ऊपर की तरफ दोस्तों ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट का बटन मिलता है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास अभी एग्जिस्टिंग में कोई क्रिप्टो करेंसी और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अभी US डॉलर है और मैं उसको यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ बिटकॉइन के अंदर, तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा मैं अपने लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, और ये सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे देनी होगी क्वांटिटी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मैक्स क्वांटिटी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे FTX मुझे कन्वर्ट करके बता देगा कि आपके जो डॉलर हैं अभी करेंटली वो इतने बिटकॉइन में बन सकते हैं, आपको इतना फी चार्ज होगा। अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं इसमें डायरेक्टली चेंजेस कर सकता हूँ, और चेंजेस करने पे जो भी कन्वर्सन रेट है वो वापस से फ़िल्टर होके मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इसके हिसाब से जो भी मुझे फीस लगती है, जो भी मुझे बिटकॉइन मिलता है, वो डेफिनेटली मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो, कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे ट्रेड डालना है तो वो और भी ज़्यादा सिंपल है। आप कोई सा पहले अपना एक मार्केट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे स्पॉट हो, फ्यूचर हो। जैसे मान लीजिए मैंने फ्यूचर का यहाँ पे मार्केट लिया और मैं चाहता हूँ बिटकॉइन के ऊपर, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मेरे सामने बिटकॉइन के बारे में सभी चीज़ खुल जाएंगी, ओपन इंटरेस्ट कितना है, 24 आवर कितना है, चार्ट अभी हमें क्या दिखा रहा है, नीचे हमारे पास ऑर्डर बुक है, ट्रेड्स हैं कि हमारे अभी कौन कौन से ट्रेड लगे हैं। इसके जस्ट नीचे आपको अपनी जो भी एंट्रीज है वो देखने को मिल जाएंगी कि आपके पास अभी कौन कौन सी एंट्री ओपन है, क्लोज है, जो भी आपने यहाँ पे करा है। और इसके नीचे आपको बाकी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि फी का कोलेट्रल, टोटल कोलेट्रल, लेवरेज क्या है, मैक्सिमम पोजिशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर आपको बाय और सेल करना है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ दो बटन दिए गए हैं, एक है बाय का और एक है सेल का। तो जैसे अगर आपको बाय करना है तो आप बाय के ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर टॉप लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक बटन मिलेगा जहाँ से कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप टेक प्रॉफिट स्टॉप पर एक साथ लगाएं, तो डायरेक्टली आप इसको स्विच करके कैलकुलेशन मोड में आ सकते हैं, जहाँ पे कि आपका ट्रेड एक बार में एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा। ऊपर आपको एक बिट प्राइस मिल रही है और एक आस प्राइस मिल रही है, आप जो भी प्राइस चाहें ले सकते हैं। जैसे कि मैं बिट प्राइस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी वो प्राइस वहाँ पर फिल हो जाएगी और साइड में मुझे लिमिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मार्केट पर खेलना चाहें तो आप मार्केट पर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और लिमिट मार्केट आपके ऊपर है कि आप कौन से
उसे मार्केट में एंट्री यहाँ पे करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको टेक प्रॉफिट लगाना, जैसे मेरी एंट्री 11,374 पे है, मैं टेक प्रॉफिट लगाना चाहता हूँ 12,000 का, तो वहाँ पे मुझे बता देगा कि आपको 5.5% का गेन यहाँ पे मिलने वाला है। वहीं पे स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस में 11,300 पे लगाना चाहता हूँ, तो मेरा लॉस 0.65% का यहाँ पे होने वाला है। नीचे दोस्तों आपको अमाउंट का टैब मिल जाएगा, जहाँ पे कि अगर आप कोई भी फंड अपना डालना चाहते हो, आप जो भी लेना चाहते हो, आप मैनुअली जाके टाइप कर सकते हो। जैसे कि मुझे 0.01 का यहाँ पे फंड चाहिए, आप बिटकॉइन में डालोगे तो पीछे आपको यूएसडी में मिल जाएगा, या फिर आप बैकेंड में जाकर यहां पर यूएसडी में भी डाल सकते हो तो वो आपका बीटीसी में कन्वर्ट करके मिल जाएगा। इसके जस्ट नीचे आपको सारी डिटेल मिलेगी कि आपका पीएनएल कितना बनेगा, आपका स्टॉप कितना होने वाला अगर आप लूज करेंगे, और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना यहां पर आने वाला है। इसके साथ अगर आप लेवरेज को चेंज करना चाहते हो, यहां पर एक स्लाइडर दिया है, इससे आप अपने लेवरेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस लेवरेज के साथ साथ आप यहाँ पे 25%, 50%, 75%, 100% भी अपने अकाउंट को लेवरेज यहाँ पे कर सकते हैं। बस इतना दोस्तों सिंपल है, और जैसे ही आप इस चीज़ को कर लेते हैं, आपके सामने जो क्वांटिटी वो आ जाएगी, और आप प्लेस ऑर्डर के ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप प्लेस करेंगे, यहाँ पे कन्फर्मेशन टैप आएगा, आप इसको कन्फर्म कर देंगे तो यहाँ पर आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा, और आप जैसे ही इसके नीचे जाएंगे, आपको आपका जो ट्रेड है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर इस ट्रेड को कैंसिल करना है तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और मार्केट क्लोज का बटन दबा के कंफर्म करेंगे, तो आपका जो ट्रेड है वो डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो आपके ट्रिगर ऑर्डर्स हैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है, आप इनको भी यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं आपके ट्रेड को ख़त्म करने के बाद। ट्रिगर ऑर्डर का मतलब है आपके स्टॉप लॉस या फिर आपका जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पे किस तरीके से लगने वाला है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा सिंपल है, और अगर आप चार्ट को बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, जो कि आपको फुल स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप इसको वापस से कैंसिल करके बाहर आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सभी की सभी टोकन इस तरीके से ट्रेड करने को मिल जाते हैं। बाकी अगर दोस्तों आप विड्रॉल की बात की जाए, तो आप डायरेक्टली वॉलेट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने विड्रॉल डिपॉजिट के टाइप मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि विड्रॉल और डिपॉजिट पर यहाँ पर जीरो फी है, यानी कि आप जो भी विड्रॉल या डिपॉजिट करेंगे उस पर कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। तो जाके दोस्तों आप एक बार मोबाइल ऐप को चेकआउट करिए, यहाँ पे आप बहुत ही इसी तरीके से ट्रेड यहाँ पे कर पाएंगे, और बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आप यहाँ पे स्टेकिंग को करना चाहें, तो यहीं पर वॉलेट के ऊपर आपको स्टेक का बटन मिलेगा, जहाँ पर आप स्टेक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सीरम कॉइन को स्टेक कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो आप उसको जाकर चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी स्टेक के ऊपर अगर आप स्टेक दबाएंगे तो कितने कॉइन आप स्टेक करना चाहते हैं यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने कॉइन की क्वांटिटी डाल सकते हैं और उसको कंफर्म कर सकते हैं, ताकि अगर आप कोई भी कॉइन यहाँ पे स्टेक करना चाहें तो डायरेक्टली आप वो स्टेक यहाँ पे कर पाएं। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे एक हिस्ट्री का बटन भी मिल जाता है, तो अगर आपने कोई डिपॉजिट या विड्रॉल के जो भी ट्रांजेक्शन करें वो सारी हिस्ट्री आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो आई होप दोस्तों मोबाइल ऐप आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा कि किस तरह आप FTX के मोबाइल ऐप को यहाँ पे यूज कर सकते हैं और आराम से जाकर अपनी ट्रेडिंग को यहाँ पे कर पाएंगे। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पर रिप्लाई आपको दे दूंगा। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सके। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।